Strawberry season is just around the corner, so I thought it was a good time to share amazingly delicious and fruity eggless strawberry cake that is made using whole wheat flour. So without further ado, let's start making it. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्लेन योगर्ट यानी कि घर का दही लिया है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग सोडा और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट तक साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरा बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी पीसी हुई चीनी और रिफाइंड ऑयल भी हम ऐड कर देंगे और इन दोनों को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी वेनिला एसेंस और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ऐड कर देंगे हमारा दही का मिक्सचर जो इस तरह से थोड़ा सा फ्रोदी हो चुका है, उसे भी हम ऐड कर देंगे और इसे भी हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चन्नी ली है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी गेहूं का आटा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे और इन दोनों को हम अच्छे से छान लेंगे और इसे हम कट एंड फोल्ड मेथड की मदद से जेंटली मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध और इसे भी हम स्पैचुला की मदद से आराम से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में मैं ऐड करूंगी लेमन जूस, अगर आप चाहें तो यहाँ पे विनेगर भी ऐड कर सकते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड यस, आवर केक बैटर इज रेडी। अब मैंने यहाँ पे 6 इंच का बेकिंग टिन लिया है जिसको मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन और ग्रीस कर लिया है, उसमें ऐड कर देंगे हमारे केक के बैटर को और इसे हम 1 से 2 बार अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाए और लास्ट में उसे हम गार्निश करेंगे स्लाइस किए हुए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज की मदद से। तो अब हमारे केक को हम बेक करेंगे 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में 30 से 35 मिनट तक, अगर आप चाहें तो इसे पैन में भी बेक कर सकते हैं। तो 30 से 35 मिनट के बाद अब हमारा केक बेक हो चुका है, इसे हम चेक करने के लिए टूथपिक इंसर्ट करेंगे तो वो एकदम क्लीन आएगी, मतलब कि हमारा केक कम्प्लीटली बेक हो चुका है। अब बाद में इसे हम कम्प्लीटली नॉर्मल टेम्परेचर आने तक ठंडा कर लेंगे और बाद में इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बाहर आ चुका है और इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा लग रहा है ना। और लास्ट में उसे हम डस्ट करेंगे थोड़े से पाउडर शुगर से। एंड यस, अवर हेल्दी एगलेस स्ट्रॉबेरी केक इज रेडी। इट इज लाइटली स्वीट, मॉइस्ट, फ्रूटी, फ्लफी एंड क्रेजीली डिलीशियस। The cake comes together in 10 minutes or less and you don't have to worry about layers, frosting or even decorating. And if you like this recipe, then comment below, subscribe to the channel and see you next time.